हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो। आज हमारे सामने MG की ग्लॉस्टर है और इसमें कुछ यूनिक से फीचर आते हैं यहाँ पर सेंटर कंसोल में। आज हम सेंटर कंसोल के फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो गियर लीवर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड सीट आपको हीटेड देखने को मिलती है दोनों सीटें, और जो ड्राइवर साइड है वो सिर्फ आपको वेंटिलेटेड देखने को मिलती है। इसकी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें तीन स्पीड लेवल दिए हैं, लो, मीडियम और हाई, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये वेंटिलेटेड सीट के स्विच हैं। और यहीं अगर मैं राइट साइड में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल। जब इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का ये साइन आ जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल का। और उसके दूसरे वाला बटन है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल का काम क्या होता है, ट्रैक्शन को ऑफ करना। जो ये स्विच दिया है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर येलो कलर की लाइट आ जाती है, ऑफ लिखा हुआ। इसका काम जनरली होता है जब गाड़ी को हम रोड पर ड्राइव करते हैं तो ये स्किड होने से बचाती है, इसलिए ये फीचर दिया रहता है। और इसको ऑफ करने का बटन इसलिए दिया रहता है ताकि आप स्टंट वगैरह आसानी से मार सकें। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच। इसको यहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। फ्यूल इकोनॉमी को घटाने और बढ़ाने के लिए ये स्विच दिया गया है। यहाँ पर से अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव करके जाएंगे और ब्रेक लेंगे तो गाड़ी का इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा ट्रैफिक कंडीशन में। उसके बाद दूसरा बटन आपको मिल जाता है ऑटो पार्किंग का। इससे आप ऑटो पार्किंग कर सकते हैं गाड़ी की पैरेलल और वर्टिकल। इसको आप यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑन ऑफ इंडिकेटर के थ्रू इससे आप पार्किंग प्लेस सर्च करके वहां पर पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है EDL का, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक। जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहां पर EDL हमारा ऑन हो जाता है और येल्लो कलर की लाइट आती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक का स्विच यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर LDW देखने को मिलता है, लेन डिपेचर वार्निंग। इसका काम क्या होता है, जब हम लेन से बाहर जाते हैं, जैसे हमारे जो लेन मार्क बने होते हैं रोड में, अगर हम उससे बाहर जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये वार्निंग देता है कि आप लेन से बाहर जा रहे हैं। और जैसे हम लेन से बाहर जाएंगे, अगर इंडिकेटर दे के जाएंगे तो ये वार्निंग नहीं आएगी। अगर विदाउट इंडिकेटर जाएंगे तो ये हमको वार्निंग देगा कि आप लेन के अंदर आइए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के कंसोल में जो फीचर दे रखे हैं वो कंप्लीट फीचर यही हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रैक मोड मिल जाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है, जिससे आप गाड़ी को रो हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऑटो होल्ड का फंक्शन देखने को मिलता है। जब आप इसको ड्राइव मोड पर डालेंगे तभी आप इसको, सीट बेल्ट वगैरह आपने पहनी होगी तभी ये दिखाएगा कि यहाँ पर ऑन है कि ऑफ है करके। आपको इसको ऑन करने के लिए सीट बेल्ट को ज़रूरी पहनना है। और कभी भी अगर आपको मोड चेंज करना है, सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल पर लाना है और उसके बाद यहाँ पर मोड चेंज करना है। जैसे जैसे मोड चेंज करेंगे तो यहाँ एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इसे स्पोर्ट्स मोड पर लगा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने अभी इसको स्पोर्ट्स मोड पे लगा दिया, तो बहुत ही अच्छे फीचर हैं सेंटर कंसोल में। जितने भी ये कंट्रोल फीचर दिए गए हैं बहुत ही यूज़फुल हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।